कायनात कॾहिं कीअं ऐं छो वजूद में आई पत्थर जे दौर खां वठी इंसान उन्हनि सवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी जाखोड़ करे रहियो आहे। कायनात जे करिश्माती सिरिश्ते जो वजूद इंसान लाइ हमेशह तजसुस भरियल राज़ रहियो आहे, जंहिं तां पर्दो खणण लाइ इंसान पंहिंजे तारीख़ जे हर दौर में जुस्तजू कई आहे। हर दौर जे इंसान पंहिंजे अक़ुल ऐं दानिश जे आधार ते कुदरत जे उन करिश्माती निज़ाम काइनात जे वजूद में अचण बाबति सवालनि जा जवाब मुख़्तलिफ़ मरहलनि में ॻोल्हिया आहिनि। कॾहिं हुन ॾंद कथाउनि जो सहारो वरितो त कॾहिं वरी मज़हबी फ़लसफ़नि जो, पर उन सां गॾोगॾु ज़हनी ओसर में पुख़्तगी अचण खां पोइ इंसान उनखे तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि में सम्झणु शुरू कयो। क़दीम यूनानी दौर जा अज़ीम फ़िलासफ़र अरस्तू, अफलातून ऐं सकरात वरहनि ताईं उन पुरतजसुस राज़ जे मुंझियल सवालनि खे सम्झण जी कोशिशि कंदा रहिया। हज़ारे वरह अॻु रूमिन ऐं मिस्रनि खां वठी क़दीम उभरंदी तहज़ीबुनि जे ॾाहनि पिणु हिन काइनाती निज़ाम जे वजूद बाबति राज़नि खे पंहिंजे इल्म ऐं दानिश आहार सम्झणु चाहियो। पर वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु लॻातार मश्क सबबि जीअं ई इंसान जे सभ खां आला सलाहियत गौर वीचार ऐं सोच जा दायरा वसी थिया त हुन काइनात जे वजूद में अचण वारे पेचीदा मुंझियल ऐं ॾुखे सवाल खे तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि जे आधार ते परखणु शुरू कयो। ईअं आहिस्ते आहिस्ते इंसान पंहिंजी सोच ऐं लोच सां काइनात जे वजूद बाबति सवालनि जा जवाब तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि जे इल्म साइंस वसीले ॻोल्हणु शुरू कया। हज़ारे वरहनि ते ॿधल तारीख़ जे इर्तकाही मरहलनि मां गुज़रण खां पोइ इंसान जॾहिं मुनज़िम समाज अंदरि रियासती ढांचे में ज़िंदगी गुज़ारणु लॻो त तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि जे इल्म साइंस खे बोझ मिलियो। दुनिया अंदरि ओलह मुल्कनि में साइंस तेज़ीअ सां तरक़ी कई ऐं अहिड़ीअ तरह काइनात ते वजूद में अचण वारा सवाल ॾंद कथाउनि ऐं मज़हबी फ़लसफ़नि खां अलावा बाक़ाइदा साइंस लिखजण लॻा। काइनात जे सिरिश्ते बाबति पहिरियों बाक़ाइदा साइंसी ख़्यालु 1543 में पोलैंड जे फ़िलासफ़र निकोल कापरनिकस पेश कयो, जंहिं उन ॻाल्हि जी खोजना कई त मौजूदा शमसी निज़ाम जो मर्कज़ धरती न पर सिज आहे। उनखां केतिरनि ई सदियुनि ताईं ॾाह उन ख़्याल जा हुआ त धरती हिन समूरे निज़ाम जो मर्कज़ आहे। 1610 में कापरनिकस खां पोइ इटलीअ जे जग मशहूरु साइंसदान ऐं ॾाहे गैलीलियो गैलीली फ़लकियात ऐं फिज़िक्स जे इल्म ते डिघनि मुशाहिदनि खां पोइ उहो नतीजो कढियो त धरती गोल आहे ऐं उहा सिज जे चौधारी घुमे थी। न त उनखां अॻु इंसान उन राय जो हो त सिज धरती जे चौधारी घुमे थो। गैलीलियो गैलीली जे तरफ़ां ईजाद कयल टेलीस्कोप पिणु साइंस दुनिया में इनकलाब आणे छॾियो, जंहिं वसीले साइंसदान सिज चौधारी घुमंदड़ ॿियनि ग्रहनि जे मौजूदगीअ जी तसदीक कई। 1642 में नामियारे अंग्रेज़ साइंसदान सर आइज़िक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी जो कानून पेश करे उहो साबित कयो त ज़मीन हर शइ खे पाण ॾांहुं छिके थी, ऐं जंहिं मां अॻिते हली उहो साबित थियो त उन साॻे कानून तहत ई धरती काइनात में बीठी आहे। काइनात जे वजूद खे सम्झण बाबति उन्हनि टिनि बुनियादी खोजनाउनि खां पोइ साइंस तेज़ी सां तरक़ी कई ऐं ईंदड़ 200 सालनि ताईं साइंसदान उन नतीजे ते पहुची चुका हुआ त हिन काइनात अंदरि धरती हिकु बिलोर जी हैसियत रखे थी ऐं उहा हिकु मुकमल सिरिश्ते जो तमामु नंढड़ो ज़रो आहे। पर बुनियादी सुवालु अञा बि मौजूदु हो त हीअ काइनात कॾहिं कीअं ऐं छो वजूद में आई। उन सुवाल जे जवाब जी ॻोल्हा लाइ साइंस जी शाख फिज़िक्स में वॾी खोजना थी, जेका अॻिते हली उन पेचीदा मसलनि खे सम्झाइण में अहम साबित थी। 20वीं सदीअ जी शुरूआति शायदि इंसानी तारीख़ में अहम तरीन ॾाके जी हैसियत रखे थी, छाकाणि त उन सदी अंदरि ई उन्हनि मुंझियल सवालनि जा कुझु मुतमैन कंदड़ जवाब मिलिया। वीहीं सदीअ जी शुरूआति में दुनिया जी तारीख़ जे अज़ीम साइंसदान आइनस्टाइन 1906 में इज़ाफ़ियत जो नज़रियो पेश कयो, जंहिं मूजिब मादो ऐं तवानाई हिक ॿिए सां तालुक़ु रखनि था ऐं मखसूस हालतुनि में हिक ॿिए में तब्दील थी वॾे पैमाने ते तवानाई ख़ारिज करे सघनि था। उन नज़रिए खे शुरूअ में त रद्द कयो वियो, पर 1949 में न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, चैन रिएक्शन ऐं एटम बम जे तजुर्बनि उनखे सही साबित कयो।
1897 में برطانوی سائنسدان جے جے تھامسن ایٹم جو بنیادی ذرو الیکٹران گولے لدھو کیتھوڈ ریز میں کل تجربے کے آدھار تے جے جے تھامسن جی کل یا خوجنا پارٹیکل فزکس میدان میں تاریخی اگ بھرائی ہوئی ۱۹۱۲ میں سائنسدان نیل بوہر ایٹم جا ذرا نیوٹران ایں پروٹان گولے لدھا جے بعد وہ گال ثابت تھی وئی تو مادے جو ننڈے میں ننڈو ذرو ایٹم پن پانچ سب ایٹمک پارٹیکلز جو ٹھہل ہے اڑی ریت پارٹیکل فزکس میں انقلابی اگ بھرائی تھن کا پوئے ہانے سائنسدانن کے مادے جی بناوٹ ایں انہی توانائی سا گانڈھا پہ متعلق بنیادی سوالن جا جواب ملی چکا ہوا جے کا پوئے ہانے وٹن کائنات جا بن بنیاد گولن اگ جے بھیٹ میں سولو تھی پیو ہو وی صدی جا اکثر سائنسدان انسان کے چنڈ تے پہنچن کا اگ ان رائے جا تھی چکا ہوا تو یہ کائنات ایک وڈے دھماکے کا پوئے وجود میں آئی جن کے ہنن بگ بینگ جو نالو ڈنو سندن خیال موجب اٹکل 13.75 billion سال اگ یہ کائنات ایک برندڑ گولو ہوئی جکا ان وڈے دھماکے کا پوئے وجود میں آئی ایں کائنات میں موجود مختلف گیسز ایں مٹی کے ککرن گجی کرے یہ سجو نظام جوڑی روس طرف 1957 میں پہ خلائی جہاز اسپوٹنک خلا میں موکلن 1969 میں انسان کے چنڈ تے پہنچن کا پوئے ان رائے کے تمام گھنی تقویت ملی پر سائنسدانن کے خیال کے پختگی میں تبدیل کیا ہبل دوربین جن کے امریکی خلائی ادارے ناسا 1988 میں خلا میں موکلو ہو ہبل دوربین ان وقت دھرتی کا 2 billion kilometers پرے خلا میں موجود ہے ہبل دوربین کے موکل تصویروں میں ان گال شاہدی ملو ہیں تو ان کائنات کے وجود میں اچھا کا پہ وڈو دھماکو تھو ہو پر انتے اجا بھی ریسرچ جاری ہے تو جی کائنات کے وجود میں اچھا بابت پختی رائے جوڑے سکجے ہاں سائنسدانن فزکس کے ماہرن وٹ سب کا وڈو سوال او ہو تو ٹھیک ہے بگ بینگ سبب کائنات تو وجود میں آئی پر کائنات جی تو کارو مادو ہے ان مادے جو او کیڑو ذرو ہے جو ان سمورے نظام جو بنیاد ہے سائنسدانن موجب ایٹم جو نیوٹران پروٹان الیکٹران جو ٹھہل ہے جن کے سب ایٹمک پارٹیکل سڈی وجے تو پر اجا بھی کوئی اڑو ذرو یا سب ایٹمک پارٹیکل ہے جو کائنات کے تخلیق جو بنیادی جزو ہے ان ذرے کی سب کا اگ نشاندہی برطانوی سائنسدان پیٹر ہکس 1964 میں کئی پیٹر ہکس کے خیال موجب اسٹینڈرڈ ماڈل جو پارٹیکل فزکس جو بنیادی خاکو ہے ان میں وہ ذرو لاپتا ہے جو کھین گولنو ہے وہ ذرو ہی کائنات تخلیق جو بنیاد ہے پیٹر ہکس طرفا 60 کی دہائی میں پیش کل ان خاکے ہی خیال کے پہ تو رد کیا ایسی تائیں جو سندس مقالے کے یورپ کے نیوکلیئر ریسرچ سینٹر سن پانے 1964 والے ایڈیشن میں چھاپن کا انکار کرے چڈی پر پوئے آستے آستے سائنسدان ان گال تے قائل تھی ویا تو واقعی وہ ذرو وجود رکھے تو سائنسدان پانچ شروعاتی تحقیق کا پوئے ان ذرے کے بھارتی سائنسدان ستیندر ناتھ بوس آئنسٹائن کے نالن سے گڈائے بوسن جو نالو ڈنو جن کے اگتے ہلی پیٹر ہکسی تھیوری سے گڈائے ہکس بوسن سڈی ویو
पार्टिकल फिजिक्स के नामियारे साइंसदान लियोन लेडरमैन की मशहूर किताब गॉड पार्टिकल इफ द यूनिवर्स इज द आंसर व्हाट इज द क्वेश्चन जो नालो अक्स करे हिक्स बोसन थ्योरी के गॉड पार्टिकल भी सजो वे तो गॉड पार्टिकल यानी खुदाई जरो इन कायनात के तखलीक जो बुनियाद एक्वी सदी के इंसान लाए सब का वो चैलेंज एक्वी सदी में दाखिल थियण का पोए दुनिया के वन साइंसदान फिजिक्स के माहिरन वट गॉड पार्टिकल के गोल्ण सब का पैं तरजीह हुई साइंसदान उन जरे के गोल्ण लाए बिग बैंग नजरिए जो सहारो वरतो अड़ी तजुर्बेगा जोड़ चाही जिते हु कायनात वजूद में अचण का अगवारो माहौल ठाए उते एटम के जरे प्रोटान के वही मिकदार ए रफ्तार से टकराए सकन साइंसदान आखिर उनमें कामयाब थी व्या उन्हें 2010 में यूरोप के जाबलू सिलसिले एल्प्स के खूबसूरत वादन में घेरियल मुल्क स्विट्जरलैंड फ्रांस के सरहद वट एक 27 किलोमीटर डिघी सुरंग ठाही जैके तजुर्बेगाह में तब्दील किया वो उन तजुर्बेगाह के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो नालो दिनों वो यूरोप के जग मशहूर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सिंध जा साइंसदान लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तजुर्बेगाह में एटम के जरे प्रोटान के वही मकदार ए रफ्तार से एक बे बन सब एटमिक पार्टिकल से टकराण तजुर्बो कर रहा हुआ तीन हु पांजो हदफ हिक्स बोसन या गॉड पार्टिकल बोले सकन उन खोजना लाए सर्न लेबॉरेटरीज के साइंसदान के बिन टीमों में विराय वो हो जिनमें एक CMS बी एटलस है CMS में 2100 एटलस में 3000 साइंसदान कम कर रहा है उन खोजना में पाकिस्तान जा पिण 30 साइंसदान शामिल है बिन साल की लगातार जाखोड़ का 4 जुलाई जो दिहाड़ो आयो 4 जुलाई 2012 जो दिहाड़ो शायद इंसानी तारीख जो अड़ो ढी साबित थी सके तो जैं ढी इंसान के हजारे वरन तई मुंझाइंदड़ सवाल त कायनात छो कदें किए वजूद में आई उन जो मुतमैन कंदड़ जवाब मिली वे चार जुलाई 2012 ते स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में सर्न लेबॉरेटरीज के साइंसदान हिक्स बोसन के स्टैंडर्ड मॉडल में लापता थे जरे कायनात के तखलीक जो बुनियाद समझो वेंदड़ गॉड पार्टिकल के गोल्ण की दावा कई सर्न लेबॉरेटरीज में उन दिहाड़े काफ़ी पुरजोश माहौल हो तारीखी खोजना थे लेबॉरेटरी में कम कंदड़ समूरन साइंसदान रिसर्चर्स उथी भी ताड़ी वजायूँ खुशी गुजार कई I think we have it. We have a discovery. We should state it. We have a discovery. We have observed a new particle consistent with a Higgs boson. It's a historic milestone today, but we are only at the beginning. Now a lot of work is ahead of us. It is a milestone. I think we can all be proud, all be happy, but it's at the beginning. And I think also it has global implications for the future and it comes at the right time and I think we can be very very optimistic thank you hojna babat kamyabi ji agahi sun laboratories director ralph hewer ne जैमें उन्होंने बुधा तो उन खोजना दौरान एक जरो लदो है जो हिक्स बोसन से मुशाबत रखे तो As a layman, I would say we have it. एक आम मानू जे हसियत सा या एक वडी कामयाबी है पर एक साइंसदान जी हसियत में मखे जांचलो पोंदो त असा छा गोल्यो है असा एक जरो लदो है जो हिक्स बोसन से मुशाबत रखे तो आने असा के यो दिसनो पोंदो त आया यो सागे बोसन है जें जी असा गोला कर रहया हो या जें के असा गॉड पार्टिकल सडियो था सन के साइंसदान मूजब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में तजुर्बे दौरान उन्होंने डेटा में एक उथल डिठी जहाँ एक अड़े जरे की हुई जैं जो वजन 125.3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो ओ जरो एटम के मरकज में मौजूद प्रोटान का 133 भेरा गोरो हो जैंका साइंसदान तजुर्बेगाह में मिलल डेटा गड करण का 5 सिग्मा या 35 लख में एक के इम्कानी शराह के दिठो साइंसदान के वो यकीन थी वो तो जेको सिग्नल उन्हें डिठो है वो बीहर जाहिर थी पर मुकम्मल डेटा मिलाने का पोए वा इम्कानी शरह 20 लख का अगते वही
हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल के कायनात जो बुनियादी तखलीकी ज़रो समझो वे तो ए पार्टिकल फिजिक्स के उन स्टैंडर्ड मॉडल जो लापता हिस्सों है जैके साइंसदान गोले रहा है। पार्टिकल फिजिक्स की वसफ मूजिब स्टैंडर्ड मॉडल अंसर ए कुत के गडल राबते के बयान करे तो। प्रोफेसर जो इन कैंडिला जो सन लेबॉरटरीज के CMS टीम जो सरबराह है उनका चवण है तो ये शुरुआती नतीजा है जे खेन हकीकत में इंतहाई ड्रामाई लगी रहा है। वो चवे तो वो हकीकत में एक नओ ज़रो है पर वो चवण वक्त का अग हों तो जो ज़रो उन गोलो है वह स्टैंडर्ड मॉडल में लापता थियल हिग्स बोसन ही है। संदस ख्याल मूजिब जो साबित थे तो वह वाकई हिग्स बोसन है तो वह इन सदी की सब का वही खोजना होंगी। But we've done some projections and some वो वाली हैरत में विजनर खोजना है पर अन्य ताई यो असा मुकम्मल यकीन सा नथा चई सकूं तो वो स्टैंडर्ड मॉडल मा लापता थेल सागियो जरो है जें जी असा गोला करे रहया पर वो हकीकत है ता असा एक नऊ जरो लदो है अई जे कने साबित थी वने तो वो हिग्स बोसन या है तो वहा इन सदी जी वडी खोजना होंदी। But to say definitively that it is a standard model Higgs would be very difficult. Higgs boson theory je khalik 83 varhen je science dan Peter Higgs press conference duran hairat ai khushi jo izhar kayo. Un chayo ta khes yakin na tho che ta sandas hayati mein science danan ke wa kamyabi hasil thi ahe. Higgs boson theory je bani Peter Higgs chayo ta 40 saal ag ta manun ke wa ba jaan na hui ta hu cha gole raha ahen. Well, I would like to add my congratulations to everybody involved. Main nazim kamyabi te har un maanu ke mubarak dein chahya to je ko ene jo hisso reha. Really? Mukhe umeed na hui to saizdan ya khojna mein ji hayati mein hi kare watanda. It's taken. Namyare saizdan falkiyat ain physics se mahir ain kainat je gola nale kitab je lekhak Stephen Hawking chayo to उन जरे की गोला का पोए हु 10 करोड़ डॉलर की शर्त हारा वो है छाकाण तो खेस लगी रो हो तो गॉड पार्टिकल न मिली सकंदो। संदस ख्याल मूजिब पीटर हिग्स के उन अजीम नजरिए ते नोबेल इनाम मिलन घुर्जे। मुख्य इन खोजना ते हैरत है छाकाण तो मां समझ तो होस तो यो फिजूल किस्म जो ख्याल है जेते साइंसदान पंजो वक्त वनाए रहे हैं ए मुझे ख्याल में हिग्स बोसन जो वजूद ही न हो। इन खोजना का पोए पीटर हिग्स के नोबेल इनाम मिलन घुर्जे। इन खोजना का पोए मु 10 करोड़ डॉलर की शर्त हराई जेका मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सा रखी हुई त हिग्स बोसन कदे न मिलंदो। I had a bet with Gordon Kane of Michigan University that the Higgs particle wouldn't be found. It seems I had just lost $100. साइंसदानन जे ख्याल मूजिब वधिक तहकीक मां जेकन उहा गाल साबित थी वने थी तो उन जरे में ही कायनात लिकल आहे अही सजी कायनात उन जरे जी पैदावार आहे त पोए इंसान तरफा कायनात बाबत जुड़ल तसवर मुतलक तमाम बड़ा सवाल उठी सकन था। गॉड पार्टिकल जी गोला इंसानी तारीख अंदर साइंस के मैदान में सब का वड़ी गोला होंगी जैका इंसान वट वो तस्वर ए ख्याल पुख्तो थी वो तो संद सोच ए ख्याल की ताकत ही असुल कुवत है तलक हकीकत ही इंसान तरफा इर्तकाई मरहलन में गुजरंदे पाँ रूहानी ए जहनी सुकून ला जोड़ियल सभी नजरियन के गैर अहम ए फरसूदा बणा सके थी छाकाण त साइंस अणखुटंदड़ खोजना जो नालो है ऐं उहा खोजना हक़ीक़त जे रूप में मुशाहिदनि ऐं तजुर्बनि वसीले ई हासिलु करे सघिजे थी।